नमस्कार साथियों, मैं मुकेश कुमार दांगी गोयल ग्रामीण विकास संस्था के जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र पर आज आपको जैविक लहसुन के बारे में आपको जानकारी देते हैं। जैसे आपके सामने है जैविक लहसुन, इसके बारे में हमने क्या किया क्या नहीं किया उसके बारे में आपको बताते हैं। सर्वप्रथम जैविक लहसुन लगाने के लिए हम सबसे पहले आता है कि भूमि को कैसे देखें और भूमि का कैसे उपचार करें, कैसे क्या करें। तो जहाँ पर अपन को लहसुन लगाना रहता है वहाँ पर भूमि के लिए नीम की खली, सरसों की खली, महुए की खली को हमें भूमि के अंदर डाल देना चाहिए। और खाद सबसे आता है इम्पोर्टेंट, खाद जो गोबर का FOM रहता है अपन खाद डाल देते हैं। खाद डालने के बाद में आता है हमारे लहसुन सोइंग कि लहसुन कैसे लगाएं। तो लहसुन लगाने के बाद में जैसे आता है कि लहसुन का बीज उपचार करें, कैसे बीज उपचार करें। तो लहसुन का बीज उपचार करने की एक मेथड है जो मैं आपको बताता हूँ। तो लहसुन का जो बीज उपचार करेंगे हम 10 ग्राम गुड़ लेंगे और 10 ml हम गौमूत्र लेंगे। 1 लीटर पानी के अंदर ये डालेंगे। डालने के बाद में बढ़िया मिक्स करके इसको घोल के और हम लहसुन के ऊपर छिड़क देंगे। और अगर हम इसमें ट्राइकोडर्मा यूज करेंगे तो ट्राइकोडर्मा भी हम 5 ग्राम के हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन गुड़ और ये गौमूत्र अपना लेना जरूरी है, जिससे सीड ट्रीटमेंट हो जाएंगे अच्छी तरह से। और फिर इसको हम खेत के अंदर सोइंग जो लगा देंगे, बीज लगा देंगे। बीज लगाने के बाद में हम इसमें जैसे हमारा जर्मिनेशन स्टार्ट होता है, जैसे अंकुरण, लहसुन का अंकुरण स्टार्ट होता है, तो अंकुरण होने के बाद में जैसे 10-15 दिन बाद हम इसमें एक बार जीवामृत का स्प्रे कर देते हैं। अब जीवामृत का स्प्रे करने के बाद में फिर 10-15 दिन बाद फिर इसमें जीवामृत की ड्रेंचिंग करवा देते हैं। फिर जैसे हमारा पंचगव्य आता है, पंचगव्य करवाते हैं। अब जैविक लहसुन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली जो समस्या रहती है हमारे होता है, जैसे लहसुन मुड़ जाता है, जैसे थ्रिप्स की वजह से या फिर कोई रोग डिजीज़ की वजह से पूरा लहसुन मुड़ जाता है। तो उसके लिए हम जैसे ही हमारा लहसुन 20 या 25 दिन का होता है तो उसमें हम एक बार राख का छिड़काव कर देते हैं। जैसे अपन राख का छिड़काव कर देते हैं, जो नॉर्मल छिड़काव रहता है, अपने चूल्हे की राख का छिड़काव कर देते हैं। फिर जिसके बाद में जैसे 15-20 दिन का हुआ, 25 दिन हुआ, जैसे हम उसमें ये जीवामृत का ड्रेंचिंग या स्प्रे करते रहते हैं। जो लहसुन के अंदर, जैविक लहसुन के अंदर हर 20 दिन के अंदर जीवामृत की ड्रेंचिंग या फिर स्प्रे कर देना चाहिए। इसके बाद में 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर एक बार पंचगव्य का स्प्रे हो जाना चाहिए। फिर लहसुन के अंदर हमारे आती है प्रॉब्लम, जैसे कि ऊपर से पत्ते जलने लग जाते हैं, तो इस पर पत्ते जलने की शिकायत आती है। तब टेम्परेचर, या तो टेम्परेचर का उतार चढ़ाव होता है या फिर टेम्परेचर कम होता है, ज़्यादा होता है, तो इस वजह से प्रॉब्लम आती है। तो इसके अंदर हम ये नीम तेल का स्प्रे कर सकते हैं, नीम तेल का स्प्रे कर लेना चाहिए। या फिर अपने पास में अगर जैविक कल्चर के नाम से बेवेरिया बेवेसना नाम से आता है तो वो भी अपन यूज कर सकते हैं। अब इसमें दिक्कत आती है जैसे कि थ्रिप्स की दिक्कत आती है, तो हम पहले प्रिवेंटिव में इसमें नीम तेल का स्प्रे करते रहेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे हम राख का छिड़काव कर सकते हैं। इसके बाद में हम इसमें देखने की आती है जैसे पानी, कि पानी किसान भाइयों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है कि पानी कितने दिन में दे, कैसे दे। तो जैसे सर्दियों के अंदर तो हम कम से भी कम 15 दिन के अंदर पानी देना चाहिए इसमें, और गर्मियों, सर्दियों के अंदर 15 दिन में, और गर्मियों में 7-8 दिन के अंदर। अब आती है इसमें जैसे कि अंदर से लहसुन बैठने लग जाता है, कई किसान भाइयों के अंदर आता है लहसुन नीचे बैठ जाता है, उनको बोलते हैं कि हमारा लहसुन नीचे बैठ गया। तो जैसे हम लहसुन को उखाड़ेंगे तो उसके अंदर या तो दीमक वाली प्रॉब्लम रहती है या फिर फफूंद वाली प्रॉब्लम रहती है, जो इस वजह से ये हो जाता है। अगर दीमक वाली प्रॉब्लम रहे, अगर दीमक वाली समस्या रहती है, जैसे सफ़ेद सफ़ेद कीड़े पूरी जड़ों को काट देते हैं, अगर वो समस्या रहे तो अपन इसमें नीम तेल का स्प्रे कर सकते हैं, नीम तेल की ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं, स्प्रे भी कर सकते हैं। और ये जो अपने फफूंद वाली, फंगस वाली प्रॉब्लम रहती है, तो उसमें ट्राइकोडर्मा का ये ड्रेंचिंग कर देना चाहिए। और जब इसमें आती है दिक्कत, जैसे कि एक आता है ब्लैक रोट, जो ब्लैक हो जाता है, काला हो जाता है, ये समस्या आती है। तो ये समस्या कब आती है, जब अपन लहसुन की लास्ट स्टेज पे चल रहते हैं तब ये दिक्कत आती है। जब ये दिक्कत इस वजह से आती है, जब इस लहसुन के अंदर अपन ने बार बार पानी चलाया, बार बार नमी रहने की वजह से ये समस्या आ जाती है। तो लहसुन के अंदर पानी का भी ध्यान रखना चाहिए, न तो कम पानी होना चाहिए और न ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा होगा तो अपना जो बल्ब बनेगा, ये बनेगा, इसके अंदर सारी समस्या रहेगी, जिससे अपन को मार्केट में प्रॉब्लम हो सकती है, मार्केट में दिक्कत हो सकती है, मार्केट रेट गिर सकती है। तो इसलिए जब हम लास्ट स्टेज पर चल रहे तब इसमें लहसुन के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए, अधिक पानी नहीं जाना चाहिए। लहसुन को जब पानी की ज़रूरत रहे तभी पानी पिलाना चाहिए, वरना पानी नहीं पिलाना चाहिए। और रहती है हमारा जो छोटी मोटी समस्या रहती है, जैसे सबसे ज़्यादा दिक्कत तो फंगस वाली आती है इसके अंदर, जिसमें किसान भाइयों को बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है, लहसुन बैठ गया, तो उसमें ये ट्राइकोडर्मा वाला काम करना चाहिए अपन को। और हर
दिन में, 10 दिन में, 15-20 दिन में इसमें नीम तेल का या बवेरिया बवेसियाना हो तो उसका स्प्रे कर देना चाहिए, जिससे बढ़िया रहेगा। और हर महीने के अंदर, हर एक महीने के अंदर राख का छिड़काव करते रहना चाहिए, और हर महीने या तो 20 दिन या 25 दिन जीवामृत का स्प्रे करना जरूरी है और ड्रेंचिंग करते जो अपन ये काम कर सकते हैं इसके अंदर। अगर आपको और जानकारी लेना चाहते हो तो जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र के गोयल ग्रामीण का संस्था से आप संपर्क कर सकते हो, आपको पूरी रूप से जानकारी दी जाएगी।